नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर फ्रेंड। तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में सहायक पर्यवेक्षक के 46 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा ये जो है भर्ती निकाली गई है। आप लोग देख सकते हैं अवसर जो है, अगर जिन लोग भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फॉर्म अप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं तो वो लोग इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कब से इसका डेट आ रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स चेक इट। तो उत्तर प्रदेश में स्वदेशी का अलख जानने वाले खादी व एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भी कर्मचारियों की कमी को दूर करने में जुट गया है। बोर्ड की तरफ से औद्योगिक सहायक पर्यवेक्षक के 46 पदों सहित 72 पदों पर भर्ती के लिए अभियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक औद्योगिक सहायक पर्यवेक्षक के साथ ही आशुलिपिक में 03 पद, लेखा परीक्षक के 10 पद, दिव्यांग कोटे की सहायक वी अधिकारी दीति का 01 पद और लेखा परीक्षक के 1 और कनिष्ठ सहायक के 5 पद, सहायक अनुदेशक धर्म के 01 पद के अधियाचन पहले से ही आयोग को भेजा जा चुका है। सहायक पर्यवेक्षक के लिए स्नातक के साथ सहकारिता में प्रशिक्षण, औद्योगिक सहायक पर्यवेक्षक के पद के लिए योग्यता स्नातक, इसके साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से सहकारिता में प्रशिक्षण आशुलिपिक की योग्यता इंटरमीडिएट आशुलिपिक में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर से संबंधित 2-1 सोसाइटी द्वारा संचालित CCCCC पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर CCCC अनिवार्य कर दिया गया है, जैसा कि और 80 वर्ड प्रति मिनट आपको कंप्यूटर में जो है टाइपिंग भी होनी चाहिए, 2-1 सोसाइटी द्वारा संचालित, ठीक है। लेखा परीक्षक के लिए स्नातक कॉमर्स चाहिए। आवेदनों के लिए लेखा परीक्षक के पद के लिए स्नातक कॉमर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी सहित कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है। सहायक विधि अधिकारी दिव्यांगजन के लिए योग्यता स्नातक चाहिए। कनिष्ठ सहायक पद के लिए योग्यता इंटरमीडिएट के साथ 2-1 छोटा सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर पर प्रमाण पत्र तथा हिंदी अंग्रेजी में कम से कम 25-30 शब्द प्रति मिनट टंकण गति होना अनिवार्य है। सहायक अनुदेश चर्म के लिए विज्ञान विषय में इंटरमीडिएट तथा किसी सरकारी संस्था या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित किसी संस्थान में चर्म प्रौद्योगिकी परीक्षण में डिप्लोमा भी होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये रहा ओवरऑल न्यूज जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपना ढेर सारा प्यार देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एग्जाम स्टोर चैनल। जय हिंद दोस्तों।